प्रतिबंधित समय पर उत्तर प्रदेश से आ रहे धान के ट्रक को कृषि उपज मंडी के अधिकारियों ने जब्त कर पुलिस के सुपुर्द किया। वहीं उचित दस्तावेज नहीं होने के कारण कार्रवाई की गई। जानकारी के अनुसार ट्रक उत्तर प्रदेश रायबरेली से 230 क्विंटल धान लोड कर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर एक राइस मिल आ रहा था, जिसकी कीमत लगभग 4,60,000 बताई जा रही है। वहीं जिला प्रशासन से कोई अनुमति पत्र नहीं मिला, जिसके तहत कार्रवाई करते हुए बसंतपुर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। फिलहाल धान खरीदी के समय अन्य राज्य से धान परिवहन करने पर रोक लगाई गई है। अगर इसी तरह का परिवहन होता है तो जिला प्रशासन से अनुमति पत्र अनिवार्य होता है। बलरामपुर जिले के अंतर्गत बसंतपुर थाना के जो उत्तर प्रदेश की सीमा है, वहाँ धनवार बॉर्डर है, जहाँ की मंडी की टीम के द्वारा एवं जिला स्तर के खाद्य विभाग की भी टीम उसमें सम्मिलित थी। संयुक्त टीम के द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान उत्तर प्रदेश से सरगुजा के लिए एक ट्रक में धान आ रहा था, जिसके जांच करने पर उसमें कागजात पर्याप्त नहीं मिले, जिसके कारण उसको टीम के द्वारा जब्त किया गया। जब्त करके थाने के सुपुर्द किया गया है। उक्त ट्रक में लगभग 4,60,000 रुपए का धान है, जो कि 290 बोरा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान कर भी प्रारंभ हो चुका है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों में धान खरीदी केंद्रों पर बिचौलिए बाहरी राज्य के धान खपाने की फिराक में रहते हैं। कई बार इस पर कार्रवाई की गई है। बोनस और समर्थन मूल्य लेकर शासन को लाखों का चूना लगा जाते हैं, जिसे देख प्रशासन ने आने जाने वाले सभी सीमावर्ती मार्गों में सघन जांच के आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत ये सफलता हासिल हुई है। For more information, log on to www.clips.in.